हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में 14 मई की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। आईपीएल 2019 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो आईपीएल 2019 में ऑरेंज कैप मिला है डेविड वार्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल 2019 में पर्पल कैप किसे मिला है? तो जो पर्पल कैप मिला है वो मिला है इमरान ताहिर को। आईपीएल 2019 में पर्पल कैप मिला है इमरान ताहिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल 2019 की रनर अप टीम कौन सी रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल 2019 की जो रनर अप टीम रही है वो है चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल 2019 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम है मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2019 की विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वनडे में सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो महिला खिलाड़ी बनी है उनका नाम है सना मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने स्पेनिश ग्रो प्री जीत ली है? तो जिसने स्पेनिश ग्रो प्री जीती है उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रो प्री जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस फुटबॉलर ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है याया टारे। याया टारे ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ ये मैं द हिंदू न्यूज़पेपर में से कलेक्ट करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू होगी? तो हाल ही में जो विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक होगी वो होगी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? सुभाष चंद्र को इरिटीरिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में हीरा लाल यादव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो जो हीरा लाल यादव थे वह एक गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने मैकन इंस्टीट्यूट अवार्ड प्राप्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने मैकन इंस्टीट्यूट अवार्ड प्राप्त किया है? तो इनका नाम है छाया शर्मा। छाया शर्मा ने हाल ही में मैकन इंस्टीट्यूट अवार्ड है प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में जो भारतीय टीम के फुटबॉल के कोच बने हैं उनका नाम है इंगोर सिटमैक। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंगोर सिटमैक है जो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व की पहली एकमात्र महिला क्रिकेटर पत्रिका क्रिक जॉन का विमोचन किसने किया है? फिर से रिपीट करते हैं। विश्व की एकमात्र महिला क्रिकेटर पत्रिका क्रिक जॉन का विमोचन किया है तो उनका नाम है स्मृति माधाना। स्मृति माधाना ने उनका विमोचन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो हर साल 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य ने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य कर दी है? कि सभी राज्य के कार्यालयों में आधार से ही उनकी उपस्थिति हो जाएगी, ये अनिवार्य किया है केरल स्टेट ने। फ्रेंड, इसी तरह मैं रोज की न्यू करंट अफेयर अपलोड किया करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड।